नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एडप्टेशन इन एनिमल्स, है ना। देखो, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या सीखा था, एडप्टेशन इन प्लांट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडप्टेशन इन एनिमल्स। ओके, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ तक कम्प्लीट कर लिया था, ठीक है। तो चलिए अभी एडप्टेशन इन एनिमल्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है, आपको क्या करना है। देखो, इसमें क्या लिखा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट, डिस्कस द हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स लाइक वर्टेब्रल कॉलम, विंग्स, गिल्स, टेल्स एक्सेट्रा, एंड प्रिपेयर अ चार्ट। देखो, आपको क्या करना है, आपके आसपास मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स का, ठीक है, जो भी आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, जो भी आपको याद है, ठीक है, तो आप उनकी क्या करो, लिस्ट बनाओ। और फिर आप अपने लिस्ट को ना अपने फ्रेंड्स के लिस्ट के साथ क्या करो, कंपेयर करो, उसके बारे में डिस्कस करो, ठीक है। अभी आपको क्या क्या डिस्कस करना है कि उनके हैबिटेट्स क्या है, मतलब वो लोग रहते कहाँ हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, इट मीन्स वो क्या खाते हैं, ठीक है। और भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब उनका वर्टेब्रल कॉलम है कि नहीं है, विंग्स है कि नहीं, गिल्स है कि नहीं, ठीक है, टेल्स है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करो, डिस्कस करो और फिर एक चार्ट बनाओ। तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी गई है, जो आपको खुद से करना है। ओके, नाउ सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल्स। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहता है ना, उसके आंसर आपको नीचे दिए रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऊपर दे दिया, उसका आंसर ना पैराग्राफ में दिया रहता है। अब ये क्वेश्चन क्यों देता है, ताकि आपका दिमाग पहले से ही घूमने लगे, आप सोचो इसके बारे में, ठीक है, और फिर जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे अरे ये तो इसी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स जमीन के ऊपर रहते हैं, एंड एक्वाटिक एनिमल्स मतलब क्या, जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिखाई देता है, ठीक है, आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगोन चेंजेस। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से कंपेयर करें एक्वाटिक एनिमल्स की, तो जो उनकी स्किन होती है और जो बॉडी शेप होता है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब दोनों के बीच में, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स, तो इनके स्किन में डिफरेंस होता है और जो इनका बॉडी शेप होता है ना, इसमें भी बहुत ही डिफरेंस होता है। फिशेज हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। देखो जो फिश होती है, ये कहाँ पर रहती है, पानी के अंदर रहती है, राइट। तो अभी इसके स्किन के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं और फिन्स होते हैं। तो स्केल्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो आप यहाँ पर, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना इस मछली के ऊपर, ये देखो, ये सभी क्या है, स्केल्स है। और फिन्स क्या है, ये आपको ऐसे निकला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, मछली के क्या है, फिन्स हैं, ठीक है। तो इनके स्किन पे फिन्स और क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड्स लाइक अ स्पिंडल। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि देयर बॉडी टैपर्स, मतलब जो उनकी बॉडी होती है ना, वो कैसी होती है, स्पिंडल जैसी होती है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप इस फिश को देखिएगा, इसकी बॉडी कैसे है, देखो आगे से ऐसे करके पतली, फिर यहाँ पे जाके थोड़ी मोटी और फिर पीछे से पतली, दिखाई दे रहा है आपको, देखो आगे से पतली और पीछे से पतली। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, स्पिंडल जैसा होता है, ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है। फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टीड ऑफ अ नोज, और जो फिश होती है ना, वो क्या करती है, अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। जैसे गिल्स में आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये ना फिश की क्या है, गिल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, सांस लेती है। जैसे हम अपनी नोज से सांस लेते हैं, तो ये जो मछली होती है, ये नोज से सांस नहीं लेती है, बल्कि जो उसके पास गिल्स होते हैं ना, उसी के थ्रू वो ब्रीथ करती है, ठीक है। Their eyes have transparent eyelids, और जो इनकी eyelids होती हैं ना, वो कैसे होती है, transparent होती हैं,
मतलब अगर उनकी आंखें बंद भी रहेंगी, ठीक है, उनकी पलकें झुकी भी रहेंगी, मतलब पूरी बंद रहेंगी, फिर भी वो देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब आपको पता है ना कि आप अगर इस साइड से देखोगे, जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, थैली आपने देखा होगा, मतलब एक साइड से आप देखोगे उसके तो दूसरे साइड आपको दिखाई देगा, समझ में आ रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। अब जो फिश होती है इसको फ्लोट करने में, मतलब तैरने में कौन हेल्प करता है, तो इनके पास ना एक हवा की थैलियाँ होती है, ठीक है, तो जिसकी हेल्प से ये क्या कर पाती हैं, पानी के अंदर तैर पाती हैं। समझ में आया आपको? अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं फटाक से आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। देखो, ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टोर्टोइस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स। फिर व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हाइंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग। फिर फोर्थ, व्हाई डजंट अ डक गेट वेट इन वाटर। ठीक है, तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर आपको यहाँ पर आगे मिलेंगे। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आप अपना दिमाग घुमाओ। ठीक है, चलो अभी हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टूज, दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओट्स। तो सबसे पहली बात, वेब टूज का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेब टूज बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखो ये कैसे, जैसे ना ये जालीदार जैसा होता है, ठीक है, तो ये क्या है, वेब टूज है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एज अ फ्रॉग एंड डक हैव वेब टूज, मतलब फ्रॉग और डक इनके पास क्या होते हैं, वेब टूज होते हैं, ऐसे टूज होते हैं, ठीक है। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओट्स, तो ये अपने पैर को कैसे यूज कर सकते हैं, ओट्स के जैसा। अभी ओट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नाविक जो नाव चलाता है, तो वो नाव किसके हेल्प से चला पाता है, उसके पास ना एक डंडी होती है, मैं आपको बताती हूँ कैसी, ऐसे करके ना उसके पास एक डंडी होती है यहाँ पे ऐसे करके, जिससे क्या करता है वो पानी को ना पीछे की तरफ धकेलता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे उसके पास डंडी होती है, इसी की हेल्प से तो वो नाव को चला पाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, चप्पू। ठीक है, तो ओट्स मतलब क्या होता है, चप्पू ही होता है। तो डक और फ्रॉग इनके पास वेब टोज होते हैं, जिसका यूज वो किसकी तरह कर सकते हैं, ओट्स के जैसा कर सकते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हेन। फिर देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि वाटर हेन और डक, इनके जो फेदर्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं। कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है ना, इनके ऊपर से क्या होता है, फ्लो मतलब गिर जाता है, उसमें वो लोग ना भीगते नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे कभी आपने देखा है क्या कि जो बत्तख है, डक है, वो पूरा भीगा हुआ है, आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके ऊपर वो पानी टिकने ही नहीं वाला, पानी पड़ेगा तो वो तुरंत नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो फेदर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे डक और वाटर हेन की बात की गई है। फिर वेब टूज स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजिली थ्रू वाटर। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि वेब टूज स्लीपरी स्मूथ स्किन, यहाँ पे फ्रॉग की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो फ्रॉग होता है उसका टूज कैसे होते हैं, वेब टूज होते हैं। स्लीपरी स्मूथ स्किन मतलब उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्लीपरी स्मूथ स्किन होती है एंड ट्रायंगुलर हेड। आपने देखा होगा कभी मेंढक को, तो आप देखना उसका हेड कैसा होता है, ट्रायंगल के जैसा। ठीक है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहले आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब आप ध्यान देना, उसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, जो उसको पानी में तैरने में हेल्प करता है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। अब देखो जो फ्रॉग रहता है ना, आपने देखा होगा कि बारिश के दिन में वो तो पानी में जाकर के टर टर करता है, फिर जब बारिश नहीं होती तो वो जमीन पे भी रहता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो फ्रॉग है ना, वो एक एम्फीबियन है,
मतलब वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। अब वो दोनों पे कैसे रह सकता है? देखो, पानी के अंदर वो अपनी स्किन की हेल्प से क्या करते हैं, ब्रीथ करता है, ठीक है। और ज़मीन पर वो अपने नोज की हेल्प से क्या करता है, ब्रीथ करता है। तो उसके पास वो एबिलिटी है पानी में भी रहने की, मतलब पानी में भी वो ब्रीथ कर सकता है और ज़मीन के ऊपर भी ब्रीथ कर सकता है। कौन? फ्रॉग। इसकी वजह से वो पानी में भी रह पाता है और ज़मीन के ऊपर भी रह पाता है, ठीक है। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प टू हाइड अमंग ग्रासेस। अब देखो, आपने हरे कलर का मेंढक देखा है, देखा होगा बारिश के दिन में जब आप घास के पास जाओगे जहाँ पे घास वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे ना तो फ्रॉग्स कैसे होते हैं, ग्रीन ग्रीन होते हैं। अब ये ग्रीन ग्रीन जो कलर है ना इनका, इनकी वजह से क्या होता है, ये ना ग्रासेस में छिप जाते हैं। समझ में आ रहा है? आप एकदम ध्यान से देखोगे तभी आपको वो मेंढक दिखाई देगा, वरना आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इनका जो ये टिपिकल कलर है, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये जो टिपिकल कलर है ये इनको ग्रासेस में छुपने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशन। अब देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी और दिया है कि आपको क्या करना है ना, कुछ और एम्फीबियंस के ना आपको क्या बनाने हैं, लिस्ट बनानी है। जैसे फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है, वैसे ही आप अदर जो भी एम्फीबियंस हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपको, और फिर उनके एडेप्टेशन के बारे में स्टडी करना है, ओके। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, ओके। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग्स, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कार्निवोरस एनिमल्स, अभी कार्निवोरस का मतलब क्या, मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन, इनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो तेजी से दौड़ सकते हैं और अपने प्रे मतलब अपने शिकार को कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनिन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। अब यहाँ पे आप समझना, उनका क्या होता है, पंजा होता है उनके पास, है ना, शेर का पंजा सुना होगा आपने। तो इनके पास क्या होता है, क्लॉज मतलब पंजा होता है, एंड देयर कैनिन टीथ। अभी कैनिन टीथ का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसका देखना, कैनिन टीथ इसका क्या है, ये देखो ये है इसका कैनिन टीथ, समझ में आ रहा है, जिससे हम, आपने सुना होगा क्या कहते हैं, कुकुर दत्ता, ऐसा अगर आपने सुना होगा तो, क्योंकि सारे बच्चों ने ऐसा नहीं सुना होगा कि इस दांत को ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में तो कैनिन टीथ बोलते हैं, अभी हिंदी में मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इनके पास क्या होते हैं, पंजे होते हैं, एंड देयर कैनिन टीथ मतलब जो इनके ये कैनिन टीथ होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। What is the function of such teeth? अब मुझे आप एक आंसर दो कि ये जो टीथ हैं इनके पास, इनका यूज़ क्या है, ठीक है, ये किस लिए ये लोग यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन आपको बताना है। तो आप घबराइए मत, इसका भी आंसर आपको मिलेगा, ओके। बस क्वेश्चन पूछ दिया, आप अपना दिमाग घुमाओ। चलो आगे देखो, टाइगर्स हैव पैडेड पास, दिस एनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टक देयर प्रे एंड कैप्चर इट ईजिली। द आईज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। अरे ये क्या, इसका तो आंसर दिया ही नहीं, तो चलो मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ। वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ सच टीथ, मतलब इनके ऐसे टीथ का फंक्शन क्या है। तो इन टीथ की हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, जो उनका खाना होता है मांस, क्योंकि ये क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, और मांस को चीरने के लिए ना ऐसे दांत होने चाहिए, ठीक है। बिना ऐसे दांतों के अगर नॉर्मल दांत रहेंगे, फिर उनसे जो मांस है ना उसको वो लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए इनके दांत ऐसे होते हैं, ठीक है, समझ गए आप। अभी देखो इसमें क्या दिया है कि टाइगर्स हैव पैडेड पॉज, मतलब जो टाइगर्स होते हैं ना इनके पास कैसे पंजे होते हैं, पैडेड, पैडेड मतलब क्या, गद्दीदार, ठीक है, पैडेड का मतलब क्या, गद्दीदार पंजे होते हैं। दिस इनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट ईजिली, मतलब ये जो गद्दीदार इनके पास पंजे होते हैं ना, इसके वजह से वो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जो उनका शिकार होता है, मतलब जिसे वो खाना चाहते हैं, उसके पास वो एकदम साइलेंटली पहुंच पाते, क्योंकि वो
मतलब वो गद्दीदार होने की वजह से उनसे आवाज़ नहीं आती कि कोई आ रहा है, और फिर वो जो शिकार रहता है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे कोई है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो अपने शिकार को इजीली कैप्चर कर पाते हैं। द आईज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, इट हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप समझना, देखो क्या लिख रहे हैं कि द आईज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवोरस, मतलब ये जो प्रीडेटरी कार्निवोरस होते हैं इनकी आईज कहाँ पर लोकेटेड होती है? फ्रंट ऑफ देयर हेड। जैसे इसको देखो, और इसका जो आँख है वो कहाँ पर है? देखो इसकी आँखें फ्रंट ऑफ इसके मतलब हेड के सामने है ना, आपको दिखाई दे रहा है? तो ऐसे करके इन एनिमल्स की आँखें होती हैं। इट हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इनकी जो आँखें हैं वो किस में हेल्प करती हैं? मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर इनका शिकार है जिसे वो खाते हैं तो भी वो उसको देख सकते हैं इन आइज़ की हेल्प से। समझ में आया आपको इतना? तो ये तो हमने बात करी किसकी? कार्निवोरस की। अब हम बात करेंगे हर्बीवरस, ठीक है? कार्निवोरस मतलब क्या? मांसाहारी। अभी हर्बीवरस मतलब क्या होता है? जो मांसाहारी नहीं होते हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जो बस घास फूस खाते हैं। कार्निवरस क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार मार के खाते हैं। लेकिन जो हर्बीवरस होते हैं, ये जो प्राकृतिक रूप से होती है ना, घासें वगैरह, पेड़ पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें ये लोग खाते हैं, ठीक है? तो चलो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या दिया इसमें? द आईज ऑफ हर्बीवरस आर बिलो द फोरहेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। अब जो हर्बीवरस होते हैं ना, इनकी आइज कहाँ पर होती है? बिलो द फोरहेड, मतलब जो इनका फोरहेड होता है ना उसके बिलो में होती है, मतलब उसके नीचे। ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, मतलब जो उनके इनका हेड होता है ना उसके साइड में। जैसे मैं आपको ये ऊँट का दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इसकी आँखें कहाँ पर हैं, आप देख रहे हो ना, फोरहेड के नीचे, समझ में आ रहा है? और साइड में है, देख सकते हो आप इसकी आंखें। और किसकी मैं दिखाऊं यहाँ पे, और कुछ है क्या? यस, माउस का भी देखो ना ऐसा ही है। और किसी का, चलो आगे आएगा तो देखेंगे, अभी तो नहीं है, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आया। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है कि दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब इनकी आंखें ऐसी होने की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। मतलब जैसे देखो अभी इनकी आंखें कैसी हैं, दोनों तरफ हैं। जैसे मैं इस ऊँट की बात करूँ तो देखो, ऊँट के पास एक तो आंख इधर है एक उधर है, ठीक है? तो ऊँट जो है इस आंख से इधर का पूरा एरिया देख सकता है और उस आंख से उधर का पूरा एरिया देख सकता है, समझ में आ रहा है आपको? तो वाइड एंगल विजन है कि नहीं है ना, तो यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है? विच हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, मतलब जो इनको शिकारियों से बचने में हेल्प करता है। जैसे अगर कोई जानवर इनको खाना चाहता है तो इन्हें पता चल जाता है, और जिसकी वजह से ये छुप पाते हैं, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं अपनी इन आँखों की हेल्प से, ठीक है? देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हुफ्स विच एनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीव्स। अब यहाँ पे आप समझना, देखो देयर लेग्स आर लॉन्ग, मतलब इनके जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। और टैपरिंग फुट, मतलब टैपरिंग मतलब क्या होता है ना? पतला, ठीक है? टैपरिंग मतलब क्या होता है? लंबा पतला, ठीक है? तो जो इनके लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टैपरिंग लेग्स होते हैं विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स। अभी हूव्स का मतलब क्या होता है? खुर। अभी खुर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपने, हाँ चलो गाय की बात करते हैं, अगर आपने गाय को देखा होगा तो गाय जब अपने पैरों से चलती है तो ज़मीन पे क्या रहता है? जैसे गाय का ये पैर है तो ज़मीन पे क्या रहेगा? ये रहेगा ना, तो इसे ही क्या बोलते हैं? खुर। जो उसका नीचे वाला हिस्सा है ना उसे ही क्या बोलते हैं? खुर, मतलब हूफ्स, ठीक है? विच इनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीव्स, जो इनको क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? तेज़ तेज़ दौड़ने में, ठीक है? और लंबी लंबी छलांगे लगाने में। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूज़न हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग बता बता के समझाया तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो स्टार्टिंग से, द आईज ऑफ हर्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देखो जो हर्बीवोरस होते हैं उनके आईज कैसे होते हैं? बिलो द फोरहेड, और उनका जो हेड होता है उसके साइड में होता है, राइट?
दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। मतलब ये जो इनकी आईज है ना, ये क्या हेल्प करती है इनको, मतलब इसकी वजह से ये ज़्यादा दूरी तक देख पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा एरिया को ये देख सकते हैं, जो इनको हेल्प करता है शिकारियों से बचने में। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूफ। मतलब जो इनके लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड टैपर होते हैं विथ स्ट्रॉन्ग हूफ्स। मतलब जो इनके खुर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। विच एनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीप्स। जो इनको हेल्प करते हैं किसमें, तेज से दौड़ने में, एंड लॉन्ग लीप्स मतलब लंबी लंबी छलांगें लगाने में। समझ में आया आपको। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। और जो इनके लॉन्ग ईयर्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, देखो इनके ईयर्स जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, ऐसे जब ये लोग दौड़ते हैं तो कैसे हिलते रहते हैं ना, ये इनको मतलब दूर भी कहीं पे आवाज़ हो रही है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अलग अलग डायरेक्शन में कहीं से आवाज़ें आ रही हैं तो इनको समझ में आ जाता है, मतलब इनको सुनाई पड़ जाता है क्योंकि इनके कान बहुत ही लंबे हैं। समझ में आया आपको। डियर एंड ब्लैक बक्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। और यहाँ पे डियर और ब्लैक बक्स की बात की जा रही है, मतलब उनके कलर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, मर्ज, मतलब अपने सराउंडिंग में ही मिल जाते हैं। जैसे उनको कोई दूर से अगर कोई जानवर देखे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ब्लैक बक या फिर डियर वहाँ पर है, क्योंकि जो उनका सराउंडिंग रहता है उसी में वो एकदम से मर्ज हो जाते हैं। अगर एकदम ध्यान से उनके पास आकर के कोई देखेगा तभी वो दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट मटेरियल। और जो इनके टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जो प्लांट मटेरियल होते हैं वो कितने कड़क कड़क होते हैं, तो उनको काटने के लिए, उनको खाने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग टीथ तो होने ही चाहिए ना, तो इसलिए इनके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। समझ में आया आपको। तो ये था एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। अब हमें क्या पढ़ना है, एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। तो देखो इसमें क्या दिया है, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्केयरसिटी ऑफ वाटर। तो सीवियर का मतलब क्या होता है, भारी। क्या होता है हिंदी में, मैं आपको बताती हूँ, भारी, ठीक है। तो डेजर्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत ही भारी मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी होती है। हैंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन। मतलब इसलिए जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है ना वो कैसी होती है, थिक होती है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। और ये किस में हेल्प करती है, इनकी बॉडी से ना जो वाटर है, लॉस ऑफ वाटर, इसको प्रिवेंट करती है कौन, ये थिक स्किन, जो इनका थिक स्किन होता है वो, ठीक है। फिर आगे देखो, देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कशन सोल्स। और जो इनके लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं विथ फ्लैट एंड कशन सोल्स। मतलब जो इनके सोल्स होते हैं, सोल्स मतलब क्या होता है, तलवा, ठीक है, वो कैसा होता है, गद्दी जैसा होता है और फ्लैट होता है। द नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाई फोल्स ऑफ स्किन। और जो इनके नोस्ट्रिल्स होते हैं वो कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, फोल्स ऑफ स्किन से। द आई लेशेस आर लॉन्ग एंड थिक। और जो इनके आई लेसेस होते हैं, अभी आई लेसेस का मतलब क्या होता है, बरौनी, ठीक है, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड थिक होते हैं। रैट्स स्नेक्स स्पाइडर्स लिजर्ड्स इन डेजर्ट्स लिव इन डीप बरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। मतलब रैट स्नेक स्पाइडर्स लिजर्ट ये सभी डेजर्ट में ना कैसे रहते हैं, बिल के अंदर रहते हैं, ठीक है, गहरे गहरे बिल बना करके वहाँ पे रहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। और फिर नाइट को क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया बच्चों, चलो अब हम आगे देखेंगे। तो आगे हमें क्या देखना है, एडप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन्स। ओके, जैसे हमने एडप्टेशन इन प्लांट्स इन स्नोवी रीजन देखा था, वैसे ही हमें एनिमल्स का भी देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इसमें, फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलार बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड। कंपेयर दीज इमेजेस विद दोज ऑफ सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे फिर से आपको एक एक्टिविटी दे दिया, क्या करना है आपको, आप इंटरनेट से ना इमेजेस डाउनलोड करो, किसका किसका, याक का, पोलार बियर का, फिर
वाइट फॉक्स का, सिल्वर फॉक्स का, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड, इन सभी के क्या करो आप इमेजेस डाउनलोड करो और फिर आपको उसे कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, जो उसी के जैसा मतलब सिमिलर एनिमल्स होते हैं फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो उसी के जैसे एनिमल्स होते हैं ना, आपको उनके साथ क्या करना है, उनका कंपेरिजन करना है। अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ऑफ स्नो वी रीजन्स, हाउ आर दिस यूजफुल टू देम। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो स्नोवी रीजन्स के एनिमल्स होते हैं उनके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेष विशेषताएँ होती हैं, ठीक है, जैसे कि इनकी बॉडी का कलर कैसा होता है, वाइट और सिल्वर, ओके, एंड इनका जो स्किन होता है ना उसके ऊपर लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं, ठीक है, तो ये है इनका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन्स। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। अभी स्टूडेंट्स देखिए, एरियल मतलब क्या होता है, उड़ने वाले, हवे में, ठीक है ना, तो जो भी एनिमल्स हवे में उड़ते हैं, हवे में रहते हैं, उनका एडेप्टेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ज़रा सोचो, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जो एरोप्लेन आसमान में उड़ता है और जो गाड़ियाँ ज़मीन के ऊपर चलती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ज़रा इसके बारे में सोचिए, ओके। नाउ देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइजेज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग विथ हॉलो बोन्स, अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइजेज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग। अभी देखो स्टूडेंट, जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है ना उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप होता है स्पिंडल, कैसा होता है, स्पिंडल के जैसा होता है। जैसे फिश का हमने देखा था ना, फिश का कैसा बॉडी का शेप था, स्पिंडल, वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं ना इनका भी शेप कैसा होता है, स्पिंडल होता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो स्पिंडल मतलब क्या, आगे से ऐसे पतला रहेगा, फिर बीच में जाने के बाद थोड़ा ऐसे मोटा और फिर लास्ट में पतला, ठीक है, तो इनकी बॉडी का शेप ऐसा ही होता है। और ये जो बॉडी शेप है ये क्या करता है, इनको हेल्प करता है उड़ने में, मतलब इसी बॉडी शेप की वजह से वो क्या कर पाते हैं, हवे में उड़ पाते हैं, मतलब हवे को चीरते हुए वो लोग उड़ पाते हैं, कौन, बर्ड्स, समझ में आ रहा है आपको। अब चलो आगे देखो, विद हॉलो बोन्स अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझना, अच्छा एक बात सोचो कि जो बर्ड्स होते हैं वो इतनी आसानी से कैसे उड़ पाते हैं, कैन यू इमेजिन। चलो मैं आपको बताती हूँ, देखो जो बर्ड्स होते हैं ना इनकी हड्डियाँ कैसी होती हैं, मतलब इनके बोन्स ना ऐसे खोखले होते हैं, हॉलो बोन्स होते हैं इनके, समझ में आ रहा है, खोखला मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर बांस देखा होगा, बांस, बांस आपको पता है, तो बांस एक लकड़ी जैसा होता है ना, तो बांस कैसा होता है, अंदर से ना खोखला होता है, समझ में आ रहा है, वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं ना इनके जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो मतलब खोखले होते हैं, एंड जो इनके फेदर्स होते हैं मतलब इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो किसकी होती है, फेदर्स की। और आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि पंख बहुत ही हल्के होते हैं, राइट, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स। अभी फोर लेग्स का मतलब क्या, जो आगे के पैर है ना वो किस में चेंज है, विंग्स में, मतलब पंखों में, ठीक है, देयर बॉडी इज लाइट इन वेट, तो इसकी वजह से जो इनकी बॉडी होती है ना वो कैसी होती है, लाइट वेट मतलब हल्की होती है, और इसकी वजह से वो हवे में आसानी से उड़ पाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये था एरियल एनिमल्स। अभी यहाँ पे देखो आगे कुछ और भी दिया है इंसेक्ट्स के बारे में, तो हम इसको भी पढ़ते हैं, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इन लाइट, सॉरी यहाँ पे क्या है, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर्स एट बोथ एंड्स। अब यहाँ पे आप समझना, देखो जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है,
इनकी भी बॉडी का वेट कैसा होता है, लाइट वेट मतलब हल्का ही होता है, और इनके दोनों एंड्स कैसे होते हैं, टैपस मतलब पतले पतले होते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखा है कि दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक लाइक लेग्स। और ये जो सेक्स होते हैं ना, वो फ्लाई कर सकते हैं, जो इनका विंग्स होते हैं इनकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं, और ये चल भी सकते हैं विथ सिक्स स्टिक लाइक लेग्स। मतलब इनके जो सिक्स लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स आपने देखा होगा उनके ना छः छः लेग्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग उनकी हेल्प से चल सकते हैं, एंड उनके पास क्या होते हैं, विंग्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पोटेशियम अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हाइंड लेग्स। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बैट्स होते हैं ना, वो अपने पोटेशियम के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि चमगादड़ उड़ता भी है ना, कभी आपने चमगादड़ अगर देखा होगा तो वो क्या करता है, उड़ता है। तो वो किसके हेल्प से उड़ता है, अपने पोटेशियम के हेल्प से उड़ता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो बैट होता है मतलब चमगादड़, वो अपने पोटेशियम की हेल्प से क्या करता है, उड़ सकता है। एंड यहाँ पर क्या बोला है, देखो जो इनके फोर लेग्स और हाइंड लेग्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, समझ में आ रहा है आपको, मतलब ना पतला फोल्ड होता है इनके स्किन का, ठीक है, बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हाइंड लेग्स, मतलब फोर लेग्स और हाइंड लेग्स के बीच में ऐसे करके थिन लेयर होता है उनके स्किन का, समझ में आ रहा है, जो इनको हेल्प करता है उड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एडप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। नाउ सी एडप्टेशन इन रेप्टाइल्स। अभी स्टूडेंट्स देखो, रेप्टाइल्स मतलब क्या, जो रेंगने वाले जीव होते हैं ना, जैसे कि छिपकली हो गई एंड स्नेक हो गया, फिर अर्थवॉर्म हो गया, तो ये सभी क्या है, रेंगने वाले हैं, राइट। तो अभी इनमें कैसे अडेप्टेशन होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या दिया इसमें, कि ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थ वॉर्म्स क्रीप। यस, देखो आपको यहाँ पे ना क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, ऑब्जर्व करो फ्रॉम अ डिस्टेंस। यस, आपको पास से नहीं जाना है, वरना अगर आप पास में जाके ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्नेक तो काट ही लेगा ना, इसलिए आपको दूर से ऑब्जर्व करना है कि स्नेक और अर्थ वॉर्म कैसे क्रिप मतलब कैसे रेंगते हैं। तो थोड़ा आप इसको देखना अगर आपको कभी मौका मिले तो, क्योंकि वैसे अगर आप सिटी में रहते होंगे तो फिर तो ये सारे जीव आपको दिखाई नहीं देंगे। वैसे आप अर्थ वॉर्म देख सकते हो, क्योंकि बारिश के टाइम पे क्या होता है, रोड पे भी हमें अर्थ वॉर्म दिख जाते हैं, बट स्नेक तो नहीं दिखते हैं, सही है ना। विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रिपिंग। यस, वो अपने किस ऑर्गन का यूज करते हैं क्रिपिंग करने के लिए, मतलब रेंगने के लिए। आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज, मतलब इस पर्पज के लिए क्या इनमें कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं। नोट एनी सच चेंजेस। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी ऐसे चेंजेस को क्या करो, नोट करो। एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ठीक है, इनके जो स्पेशल चेंजेस हैं, मतलब ऐसे कुछ भी चेंजेस हैं तो आप उनको क्या करो, नोट डाउन करो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब जिसका यूज ना वो क्या करते हैं, क्रिपिंग करने के लिए करते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या दिया है पर, कि सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन इन स्किन सोल्स ऑफ फिट बॉडी कलर एक्सेट्रा। मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एडेप्टेशन को शो करते हैं उनके स्किन में, सोल्स ऑफ फिट मतलब जो इनके फिट होते हैं उनके सोल्स में, एंड बॉडी कलर एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सभी में वो एडेप्टेशन को शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो एग्जाम्पल भी दिया है, द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लॉड टोज। देखो जो हाउस लिजर्ड और मॉनिटर लिजर्ड होते हैं, इनके टोज कैसे होते हैं, क्लाउड। क्लाउड मतलब क्या होता है, जैसे कि नाखून, उनके टोज में क्या होते हैं, नाखून होते हैं, ठीक है। क्लाउड टोज का मतलब क्या, उनके टोज में क्या होते हैं, नाखून होते हैं, एंड थिन सोल्स, उनके सोल्स कैसे होते हैं, थिन एकदम पतले पतले होते हैं। वेयर एज जबकि स्नैक्स के पास क्या होता है, स्केली स्किन, मतलब इसकी स्किन कैसी होती है, स्केली स्किन होती है। तो ये सारे अडेप्टेशन है जो इन एनिमल्स में होते हैं, मतलब रेप्टाइल्स में होते हैं, जैसे कि वो अपने सराउंडिंग के
सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उस हिसाब से वो रह पाए, इस तरह से उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे स्नेक का मैंने आपको बताया, फिर लिजर्ड का बताया, क्रोकोडाइल भी उसका भी शेप ऐसा ही कुछ होता है ताकि वो रह पाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको एडेप्टेशन इन रेप्टाइल समझा होगा। नाउ नेक्स्ट, एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। अभी देखो यहाँ पे फूड की बात करेंगे तो क्या दिया इसमें, वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। स्पेशल एडेप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। देखो हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। अभी हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं मांसाहारी, एंड हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जो मांस वगैरह नहीं खाते, और कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, जो मांस खाते हैं, ठीक है। तो हम एनिमल्स को ऐसे करके कैटेगराइज कर सकते हैं हर्बीवोरस और कार्निवोरस में। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। आप देखो ये जो क्या है, कैटेगरी है, ठीक है, तो इनमें ना स्पेशल एडेप्टेशंस होते हैं इनके खाने को ईजी बनाने के लिए, ओके। तो इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हमारा आगे ना एक चैप्टर है न्यूट्रिशन, जिसको हम पूरा डिटेल में मतलब ये सारी चीज़ें फीडिंग के बारे में, खाने के बारे में, इनके ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर देखेंगे ना तो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल्स लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड डिस्कवरी एक्सेट्रा टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी टीवी चैनल्स होते हैं, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड हो गया और डिस्कवरी, ठीक है, तो आप इसको देखो और फिर वहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जो ये एनिमल्स होते हैं उनकी उनके ना फीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जब आप चैनल देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो डिस्कवरी चैनल होता है ना इसके ऊपर एनिमल्स के बारे में बताता रहता है दिन भर, तो आप देख सकते हो डिस्कवरी चैनल को। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ना ये चार्ट दिया है एंड यू हैव टू कम्प्लीट दिस चार्ट, ओके। सो क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ, आप ये खुद से करना। अडाप्टेशन एनिमल, यूज़ ऑफ अडाप्टेशन, ठीक है, यहाँ पे अडाप्टेशन दिया हुआ है, फिर एनिमल है मतलब उसका नाम है, एंड यूज़ ऑफ अडाप्टेशन मतलब वो अपने इस अडाप्टेशन का यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है शार्प टीथ। अभी देखो शार्प टीथ किसके होते हैं, लायन और टाइगर के होते हैं। अभी इनका यूज़ क्या होता है, देखो इनके शार्प टीथ क्या है ना, एक अडाप्टेशन है, समझ में आ रहा है। अभी इसका यूज़ क्या होता है, टू टियर द फ्लेश, मतलब जो मांस होते हैं उसको तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए इनके पास ये शार्प टीथ होते हैं, समझ में आ रहा है। वैसे आपको लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक बताना है कि कौन से एनिमल के होते हैं एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस अडाप्टेशन, ओके, यू हैव टू राइट दिस। एंड शॉर्ट बिक किसके होते हैं, फिर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग एंड लॉन्ग नेक, ठीक है। तो आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करके लिख सकते हो। देखो जब आप सर्च करते हो, कुछ खोजने की कोशिश करते हो, तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एग्ज़ाम में याद रहता है कि हाँ हाँ मैंने तो इसको सर्च किया था, मैंने ऐसे गूगल पे जा करके ढूंढा था, ठीक है। तो आप ये सारी एक्टिविटी करो, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग। तो इसमें क्या है, इसको भी आप समझना। देखो क्या दिया है, वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रासहॉपर्स, दे गेट कैमोफ्लेज अमिस्ट ग्रासेस, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टर्म, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, दैट इज बिकॉज देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग्स। अभी देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या दिया है ना कि मैं आपको पूछती हूँ, देखो अगर आप फूलों के पास जाते हो तो क्या आप बटरफ्लाइज को आसानी से देख सकते हो,
समझो बटरफ्लाइज हैं वहां पे, बहुत सारी तितलियां हैं, और आप गए उनके पास, तो क्या आप आसानी से हर एक बटरफ्लाई को देख सकते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो बटरफ्लाइज होते हैं ना, उनके पंखों के कलर रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो जिस फूल पे बैठी होती हैं, उस फूल का जो कलर होता है वैसा ही कलर उनके पंखों का भी होता है, तो आप पहचान नहीं पाओगे. मतलब आपको ऐसा दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि उस फूल के ऊपर कोई तितली बैठी है, लेकिन वो तितली वहां पे बैठी रहती है. समझ में आ रहा है? तो वो क्या होती है, नेचर के साथ ना ब्लेंड हो जाती है, मतलब उसके साथ पूरे मिल जाती है. समझ में आ रहा है? वैसे ही लिजर्ट की अगर हम बात करें, या फिर ग्रास शॉपर की. देखो ग्रास शॉपर मतलब क्या होता है, जो ग्रास में रहता है, ग्रास शॉपर ग्रास को खाता है, ठीक है? तो वो कैसा होता है, हरा हरा होता है. अब उसका कलर हरा क्यों होता है, क्योंकि देखो जिसकी वजह से ना वो क्या करता है ना, ग्रास में बहुत ही आसानी से छुप सकता है, और उसको कोई भी समझो उसको कोई खाने वाला जानवर है तो वो उसको आसानी से नहीं पहचान पाएगा कि इसमें ग्रास ऊपर छुपा हुआ है. तो ये भी एक तरह से क्या है, इनके अंदर एडेप्टेशन ही है ना, वो प्रकृति के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं. समझ में आ रहा है आपको? दे गेट कैमोफ्लेज्ड अमिडस्ट ग्रासेस, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टर्म लीव्स फ्लावर्स एक्सेट्रा. दैट इज़ बिकॉज दे आर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग्स. देखो अभी अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो भी एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं. कैमोफ्लेज का मतलब क्या हुआ कि छुप जाते हैं. जैसे अभी अभी मैंने ग्रास हॉपर की बात की, तो वो क्या होता है, ग्रास में ना छुप जाता है क्योंकि उसका कलर ही वैसा होता है. समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी एक तरह से क्या है, इनके लिए अडेप्टेशन ही है. चेंजेस होते हैं ना इनको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? तो ये क्या है, अडेप्टेशन है. तो ये जो एनिमल्स होते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर्स, स्टर्म, तो ये सारे जो भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पर ये छुप जाते हैं क्योंकि इनका कलर ही वैसा हो जाता है, ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पर आगे क्या दिया है कि चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एनेबल देम टू लिव, फिट, रिप्रोड्यूस, टू परपेचुएट देमसेल्व्स एंड प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस आर कॉल्ड अडेप्टेशन. अभी देखो यहाँ पर अडेप्टेशन आपको बताया गया कि क्या होता है. क्या दिया यहाँ पर कि चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या दिया यहाँ पर कि जो उनके वेरियस ऑर्गन्स होते हैं एंड लाइफ प्रोसेसेस, इनमें जो चेंजेस होते हैं दैट इनेबल देम टू लिव, फीड, रिप्रोड्यूस, टू परपेचुएट देम सेल्स, मतलब ये जो चेंजेस हैं ये इनको किस में हेल्प करते हैं, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, फिर खाने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है? एंड प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग्स, और उनके सराउंडिंग में उनके जो भी एनिमीज हैं उनसे बचने के लिए ये सारे चेंजेस इनके अंदर होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन, मतलब इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट और जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होते हैं ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, रिप्रोडक्शन इनमें हो सके, तो ऐसे सारे जो भी चेंजेस होते हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं. अंडरस्टूड? अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन. तो देखिए डार्विन के ना यहाँ पर दो प्रिंसिपल दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, थियरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे फिट रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा. डार्विन क्या कहते थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकता है, मतलब उस एनवायरनमेंट में जीना सीख सकता है, वही सर्वाइव कर पाएगा. अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं कर पाता देन वो मर जाएगा, ठीक है? तो ये था डार्विन का फर्स्ट प्रिंसिपल. एंड सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्या लेता है, जन्म लेता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो सर्वाइव कर सकता है, तब क्या होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो बस इसी के पास है, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी होते हैं, ठीक है? तो ये था डार्विन का सेकेंड प्रिंसिपल, जिसे क्या कहा जाता है, थियोरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है? तो ये डार्विन के दो प्रिंसिपल थे, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट
फर्स्ट क्या था, थियरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इनका सेकेंड प्रिंसिपल था। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जरा सोचो कि व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड, लिविंग थिंग्स को क्यों क्लासिफाइड किया जाता है, एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए किस क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है। ओके, ज़रा इसके बारे में सोचो। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली बात कि हम इनको क्लासिफाई क्यों करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम, क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। देखो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इतना मतलब देखो हमें कितनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, एक एक जीव कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम इनको कैसे एक साथ इतना याद करके रख सकते हैं, इसलिए इनका इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है ताकि हम इनको याद करके रख सकें। याद करके मतलब क्या, इनको हम अलग अलग नामों से जाने, समझ में आ रहा है आपको। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखो हायरार्की है इनकी, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, ठीक है। तो इनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंगो और ह्यूमन का दिया है। ओके, तो मैंगो का किंगडम क्या है, प्लांटी, और ह्यूमन का एनिमिलिया, ठीक है। फिर फाइलम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, एंथोफिला मैंगो का है, एंड ह्यूमन का क्या है, को डेटा आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर क्लास इनका दिया हुआ है यहाँ पे, और डाइकोटील थोड़ा बड़ा है बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, डाइको टाइलोडीन, ठीक है, ये है। फिर ह्यूमन का क्या है, ममेलिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। तो इनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इनको क्लासिफाइड किया जाता है, और इनको अलग अलग नामों से, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना तो उसका एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ना सेम होता है, मतलब उधर का कोई आदमी रहेगा तो भी वो उसी के नाम से जानेगा, और जो इधर का रहेगा जो उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वो सेम होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसे क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं उनके सब ग्रुप्स और ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये भी क्लासिफिकेशन भी समझा होगा। तो आप क्या करना है, इसको थोड़ा स्टडी करना और भी डिटेल में। नाउ चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या, जैसे हम इसको ना एग्जांपल से समझेंगे। आप सपोज करो कि आपके क्लास में ना एक ही नाम के चार लड़के हैं, जैसे कि किरण, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, किसी एक लड़की को बुला रहे हो, किरण। अब जो चार लड़कियाँ हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आप किस किरण को बुला रहे हो, उनको तो लगेगा कि वो हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, लेकिन आप किसी एक ही को बुला रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अगर हम बोले तो हमें समझ में आएगा हाँ हम इस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है, नामकरण, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब क्या, नामकरण, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म accordingly a scientific name has been assigned to each organism। देखो जो binomial nomenclature होता है ना, ये organism को identify करने के लिए use किया जाता है, ठीक है, मतलब उनके scientific name के according जो भी उनका scientific name रहता है उससे उनको जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीनस एंड सेकेंड स्पेसिस। मतलब ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना, इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या होता है आपका जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो मैंगो की बात की जा रही है, तो मैंगो का जीनस क्या है, मैंगीफेरा, और इसका स्पीसीज क्या है, इंडिका। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इनका जीनस क्या है, होमो, और स्पीसीज क्या है, सेपियंस। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये है इनके साइंटिफिक नेम जिनको हम इनके साइंटिफिक नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड बाई नोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब जो सभी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनके साइंटिफिक नेम है
अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म के क्या है, साइंटिफिक नेम्स हैं, ठीक है। चलो अभी आगे देखो क्या दिया इसमें, कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज आर सो सिमिलर दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन कलर, हाइट, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू सेम स्पीसीज। द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हेन, काउ, डॉग एक्सेट्रा, एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वेट, मेज एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें इतनी सिमिलरिटीज होती हैं कि इनके कलर्स, हाइट्स, हैबिटेट्स और हैबिट्स अलग होते हुए भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब एक साथ मिल करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है कि जो सभी बिल्लियाँ होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ये सभी सेम स्पेसिस से बिलोंग करती हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हेन, काउ, डॉग एक्सेट्रा, एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वेट, मेज एक्सेट्रा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ना क्या दिया है, लिविंग थिंग्स दिए हैं और इनके ना साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, तो चलो हम इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि डॉग, तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस, थोड़ा अलग होता है साइंटिफिक नेम बट दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, ठीक है। काऊ का क्या है, बोस टॉरस। फिर हिबिस्कस का क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। ओके, थोड़ा अलग है बट पढ़ना पड़ेगा। ज्वार का क्या होता है, सोरगम बाइकलर, ठीक है। तो ये सारे इनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे साइंटिफिक नेम से इनको जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो लेसन है ये पूरा के पूरा पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, आप ना फिर से इस वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप गूगल पे उस वर्ड का मीनिंग सर्च करो, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं आपको बता पाऊँ। इसके लिए मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि टीचर हमें अब हम सिक्स स्टैंडर्ड से सेवन स्टैंडर्ड में गए हैं तो हमें साइंस का चैप्टर चाहिए, फर्स्ट चैप्टर। तो इसलिए बच्चों मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।